बिहार में आपको खबर लगी थी, हमने बताया भी था कि अशोक चौधरी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उम्मीद थी कि उसे फुल टाइम भी किया जा सकता जी, लेकिन उनको मंत्रालय भी दिया गया है। और मंत्रालय इसलिए दिया गया है क्योंकि नीतीश कुमार को वो पसंद है। लेकिन नीतीश कुमार को पसंद होने से थोड़ी इस पार्टी में सब कुछ अब होगा। नीतीश कुमार की भाषा भाजपा को समझ में नहीं आ रही है जी। भाजपा नीतीश कुमार की भाषा में बात भी नहीं करना चाह रही है, लेकिन आरसीपी सिंह के आते ही नीतीश कुमार की सारी समस्याएं सॉल्व हो जा रही हैं। कहूँगा आपको जो बातें कही है उस बात को काटना असंभव है जी, इसलिए कि ये बातें आप लगातार कहते आ रहे हैं और जितना बेहतरीन ढंग से आप इन चीज़ों को पोर्ट्रेट करते हैं और चीज़ों को आप लेकर के आते हैं। मैंने लिस्ट दिखाया और आपने पूरी कहानी गढ़ ली जी, और ये कहानी आप पहले कह चुके हैं जी, इसलिए आपके लिए और आसान हो गया। अब नया कुछ कह दे, नया तो आप कहिएगा ही, मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारी कहानियां हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा आपके लिस्ट से मेरा लिस्ट मैच नहीं कर रहा है ना, दिक्कत ये है। अगर कार्यकारी अध्यक्ष पहले बन गए होते जी, जब नामों की घोषणा हो रही थी, चुनाव में लड़ने के लिए लोगों के प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित किए जा रहे थे, अगर तब बन गए होते तो मामला अलग हो सकता था। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है इसमें अशोक चौधरी की नहीं चली है, अशोक चौधरी पर कैची चली है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये है पंचनामा। पंचनामा का पंचनामा आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इस खबर में आज हम बहुत सारे बिंदुओं को ऐसे छूने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा इतनी बड़ी खबर बिहार की आपसे छूट कैसे गई। छूट तो हमसे भी जाती, लेकिन बाबा की जो नज़र है वो बिहार के हर उड़ते परिंदे पर होती है। ऐसे में कोई परिंदा अगर डाल पर बैठ जाए तो एक कम हो जाता है। अब वो नज़र इनके पास है, इन्होंने एक लिस्ट मुझे दिखाई है कल। उस लिस्ट को देखने के बाद कल से ही मैं थोड़ा चिंतित हूँ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे बहुत अधिक चिंता इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि इस खबर को भी मैंने ही आप लोगों को कुछ दिनों पहले बताया था। दो अलग अलग खबरें हैं, दोनों को जोड़ने पर ये खबर पुख्ता हो जाती है। कुछ दिनों पहले आपको मैंने बताया था कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लोगों पर कैंची चला रहे हैं, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था। मैंने एक और खबर आपको दी थी कि अब आप नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर बिहार के बाहर घूमते हुए देख सकते हैं। अब नीतीश कुमार बाहर घूमेंगे तो नीतीश कुमार के गुट के लोग बाहर घूमेंगे जी, तो बिहार में उनकी आवश्यकता क्या है फिर बिहार से उनको छोड़ दीजिए। बिहार में आपको खबर लगी थी, हमने बताया भी था कि अशोक चौधरी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उम्मीद थी कि उसे फुल टाइम भी किया जा सकता जी, लेकिन उनको मंत्रालय भी दिया गया है, और मंत्रालय इसलिए दिया गया है क्योंकि नीतीश कुमार को वो पसंद है। लेकिन नीतीश कुमार को पसंद होने से थोड़ी इस पार्टी में सब कुछ अब होगा, क्योंकि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार थोड़ी हैं, अब तो आरसीपी सिंह जी। और आरसीपी सिंह अपने हिसाब से जो चीज़ें चाहते हैं उनमें वो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहते हैं, क्योंकि और इस बात को नीतीश कुमार भी मानेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम बने रहना है जी, और उसका अब एकमात्र रास्ता है कि आरसीपी सिंह भाजपा के साथ सामंजस्य बिठाएं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने ईगो को गिराकर भाजपा से बार बार संपर्क साधने का प्रयास कर चुके हैं और उसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। यानी नीतीश कुमार की भाषा भाजपा को समझ में नहीं आ रही है जी, भाजपा नीतीश कुमार की भाषा में बात भी नहीं करना चाह रही है, लेकिन आरसीपी सिंह के आते ही नीतीश कुमार की सारी समस्याएं सॉल्व हो जा रही हैं। यानी इस हनुमान की आवश्यकता है जी। लेकिन एक और लक्ष्मण है, अशोक चौधरी। नीतीश कुमार बाहर घूमेंगे तो अशोक चौधरी भी बाहर घूमेंगे, अशोक चौधरी बाहर घूमेंगे तो लिस्ट बाहर घूमेगा। इस लिस्ट में कई नेता हैं जो कि कई दिनों से संटिंग में पड़े हुए हैं जी। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ आए थे 2017-18 में, बाबा 18 जी 2018 में। उसके बाद से अशोक चौधरी एक साल संटिंग में रहे या लगभग 9 महीने के आसपास, हाँ करीब 8-9 महीने। उसके बाद फिर उनको रिवार्ड किया गया मंत्रिमंडल के विस्तार में। तब तक हमें खबर लग गई थी कि अशोक चौधरी के साथ जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे उनमें बेचैनी बढ़ गई थी, जहाँ तक कि वो MLAs जो इस इंतजार में थे कि अशोक चौधरी बुलाएंगे वो भी कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के यहाँ आना जाना छोड़ दिया उन्होंने जी। और यहाँ तक कि कुछ लोग डायरेक्ट नीतीश कुमार से दोस्ती करना शुरू कर दी जी। इसका खामियाजा अशोक चौधरी को भुगतना पड़ा। लेकिन जब मंत्रालय मिल गया और मंत्रालय ही नहीं अच्छी पोजीशंस दी गई और नीतीश कुमार के साथ घूमने लगे अशोक चौधरी, और लॉकडाउन में उन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाना चाहा। मैं रोक रहा हूँ रमन जी, कि आपने तब भी ये कहा था जब नीतीश कुमार से मिले थे अशोक चौधरी, आवास नहीं छोड़े थे, तो आपने कहा था कि ये आवास रहने का मतलब ही है कि ये मंत्री बनेंगे। बाबा ने एक और खबर याद दिला दी। तो जब अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ आते हैं, उनको रिवार्ड लगातार किया जाता है, तो जो एक बड़ा जत्था इनके साथ आया था तीर्थयात्रियों का, वो वापस नहीं लौटता है, वो वहीं रुक जाता है जी। इस इंतजार में कि इन्हें भी कुछ मिलेगा।
2019 का चुनाव बीतता है, लोकसभा चुनाव, ऑब्वियसली अशोक चौधरी के साथ आए हुए किसी भी व्यक्ति में ये कुवत नहीं थी कि वो लोकसभा चुनाव लड़े जी, जिस तरह की आवश्यकता उस वक्त बन रही थी। अब विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अशोक चौधरी के पास कम से कम 5 कैंडिडेट अपने साथ लेकर वो चले थे। एमएलसी की जो मनोनीत सीटें हैं उनके लिए तो वो 4 एमएलसी खुद लेकर चले थे जी, जिनमें से ज्यादातर उनके अलावा और लोगों का भी एमएलसी जो पद है वो खत्म हो रहा है और दिलीप चौधरी हार गए। यानी आपको अब यहां समझना पड़ेगा कुछ चीजें। अशोक चौधरी जब आए थे तो उनके साथ दिलीप चौधरी, तनवीर आलम और रामचंद्र भारती, ये 3 आदमी साथ में आए थे। दिलीप चौधरी का कार्यकाल खत्म हो गया, बाकी दोनों की भी स्थिति वही है। अब आप समझिए, यहाँ अशोक चौधरी को खुद को भी एमएलसी बनाना है क्योंकि उनका भी कार्यकाल खत्म हो गया है। तो एक ही हाथ है देने वाला और एक ही मुंह है अगर खाने वाला तो बात चल जाती है, लेकिन इतने सारे मुंहों को भरना संभव नहीं। ज्यादा भूख लगे तो दोनों हाथ से नहीं खा सकते हैं, बाकी लोग बांट भी नहीं सकते कि कितना बांटिएगा जी, जी, अपनी भी राजनीति और राजनीति में बांटना का कहां सवाल है जी। अब ये भी बात बाबा बोल दिए। देखिए कहीं ना कहीं हमारे पास एक लिस्ट है और एक लिस्ट बाबा के पास है, इन दोनों को हम टैली कराना चाहेंगे। और अब तक अगर आप संशय में हो तो मैं स्पष्ट बता दूं कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। मैंने आपको एक बात जो कही उसे मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ अटैच्ड है। अगर नीतीश कुमार की राजनीति, जो भी डिसीजन नीतीश कुमार अपनी राजनीति के लिए लेते हैं, वो अशोक चौधरी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी। आरसीपी सिंह के साथ ये बात अब नहीं रह गई जी। आरसीपी सिंह को बिहार सरकार का मंत्री नहीं बनना है, उन्हें संगठन का विस्तार करना है। और जदयू को, अगर जदयू को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो वो आरसीपी सिंह ही लेंगे, ना कि नीतीश कुमार। और हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि नीतीश कुमार अब बाहर की राजनीति देखेंगे, ऐसा उन्होंने अपनी रुचि के हिसाब से बताया और आरसीपी सिंह ने भी इशारा किया था। और आपने आज से 1 महीना पहले एक खबर और ब्रेक किया था जी, कि नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा कुनबा जो है वो प्रधानमंत्री के पद के लिए जी अधिकृत करने का पूरा योजना बना रहा है। ये जो कुनबा है वो आरसीपी सिंह के द्वारा ड्रिवेन भी हो सकता है जी, कि बिहार में रिक्तता हो सीएम के कुर्सी की ताकि कोई और संभावनाएं बन सके। बिल्कुल। लेकिन अब हम आते हैं उस मुद्दे पर। बाबा, जो लिस्ट जारी की गई उसका पूरा हवाला दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या लिस्ट है। नमन जी, सबसे बड़ी बात है कि 39 सीटें एनडीए जीती है जी, 40 सीटों में से लोकसभा के 39 सीटें जीती है और 39 सीटों पर ही पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। मैंने ये भी बात बताई थी कि सारी लोकसभा और विधानसभाओं में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। एक छोड़ा गया है कांग्रेस वाला, इस पर बहुत गौर कीजिएगा जी, जी, कि आखिर कांग्रेस वाला को क्यों छोड़ा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, नमन जी, छोटी बात नहीं है। लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ जी और प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा हूँ जी, ये दो बातें हैं। तो 39, 40 में से 39 पर ही रखा गया है, अपनी 16 जी, 17 और बाकी 6 जी, एक कांग्रेस वाला छोड़ दिया गया है जी, उस पर प्रभारी की जरूरत नहीं पड़ी, जदयू को नहीं पड़ी जी। हो सकता है आगे संबंधों की बात है, संभावनाएं बहुत अनंत है जी। तो ये 39 जो बनाए गए हैं इसमें बहुत लोगों ने बंडी उंडी सिलवाया था जी। तो अब हम कोशिश करेंगे बाबा के पास जाने की और कौन सी लिस्ट है बाबा के हाथ लग गई है। आखिर लिस्ट तो है लेकिन उसमें क्या ऐसी भूमिका दिख गई जिसके चलते हम बेचैन हो गए। बाबा क्या लिस्ट है? नमन जी, मैं लिस्ट में नाम बताऊंगा और आप समीकरण गढ़ना शुरू कर दीजिएगा जी, मैं नाम आपको सिलसिलेवार बताता हूँ 39 लोकसभाओं के, जिसमें दीपक पटेल हैं, राजकिशोर ठाकुर हैं, अशोक ओझा हैं, विनय कुशवाहा हैं, विपिन कुमार सिंह हैं, शिवनंदन सिंह हैं, अजीत चौधरी हैं, मोहिउद्दीन हैं। बाबा आपको थोड़ी देर रुकूंगा, शुरू के 6 नाम में ही हमको 2 चीज दिख गया जी। एक तो लौकुश दिख गया जी, दूसरा हमको समीकरण दिख गया कि नीतीश कुमार भी अल्पसंख्यकों को राजनीति कर सकते हैं जी, आगे शायद आवश्यकता पड़ेगी उनको। अब इसके अलावा और भी नाम चौंकाने वाले हैं नमन जी, पढ़ते जाइए। इसमें आपको नाम हमने बताया कि अविनाश कुमार है, पवन मिश्रा है, जितेंद्र यादव है, प्रहलाद सरकार है, अमर कुमार चौधरी हैं, विमल कुमार जितेंद्र हैं, सत्य प्रकाश यादव हैं, प्रदीप सिंह हैं, चंद्रकेतु सिंह हैं, राम नारायण पटेल हैं, नंदकिशोर सिंह हैं, अरविंद राय हैं, दुर्गेश राय हैं, सुनील भारती हैं, रॉबिन कुमार सिंह हैं, अंजनी कुमार सिंह हैं, राम विनय सिंह हैं, चंदन पटेल हैं, शांतनु सिंह हैं, सत्येंद्र कुशवाहा हैं, अमर कुमार सिन्हा हैं, मनीष यादव हैं, सुरेंद्र चौधरी हैं, चंद्रभूषण राय हैं, प्रभात रंजन सिंह हैं, जितेंद्र पटेल हैं, भागीरथ कुशवाहा हैं, निर्मल कुमार सिंह हैं, मुकेश विद्यार्थी हैं, अजय पटेल हैं और जीवन लाल चंद्रवंशी हैं। बाबा अब एक दो चीजें मैं बता दूं। एक तो आपको मैंने जो समीकरण बताया लो कुछ वो स्पष्ट दिख रहा है जी। दूसरा अंजनी सिंह हो या चंद्रभूषण राय हो जी, या आप किसी का नाम इसमें उठा के दे लीजिए,
ये सारे लोग आरसीपी सिंह वशिष्ठ नारायण ग्रुप के हैं, ये सारे लोग अपनी आस्था आरसीपी सिंह में मानते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। जब अशोक चौधरी का बिहार में कद बढ़ रहा था जदयू में लॉकडाउन के टाइम, तो एक खबर मैंने की थी, जिस खबर के बाद खबर आई कि इन लोगों के माध्यम से, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो खबर आरसीपी सिंह तक पहुंच गई थी जी। और मेरी खबर जलाने के अगले ही दिन आरसीपी सिंह पटना वापस आते हैं, और आते ही नहीं है अशोक चौधरी दूर बैठे हुए जाते हैं नीतीश कुमार से, लेफ्ट और राइट संजय झा और अशोक चौधरी दोनों की छुट्टी हो जाती है, ललन सिंह और आरसीपी सिंह अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं जी। एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा, आपने जो बातें कही है उस बात को काटना असंभव है जी, इसलिए कि ये बातें आप लगातार कहते आ रहे हैं और जितना बेहतरीन ढंग से आप इन चीजों को पोर्ट्रेट करते हैं और चीजों को आप लेकर के आते हैं। मैंने लिस्ट दिखाया और आपने पूरी कहानी गढ़ ली जी, और ये कहानी आप पहले कह चुके हैं जी, इसलिए आपके लिए और आसान हो गया। अब नया कुछ कह दे, नया तो आप कहिएगा ही, मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारी कहानियां हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा आपके लिस्ट से मेरा लिस्ट मैच नहीं कर रहा है ना, दिक्कत ये है। नमन जी करेगा भी नहीं ना जी, क्योंकि सरकार बदल गई है ना जी। अब ये सरकार भले नीतीश जी की सरकार नहीं बदली हो जी, लेकिन नीतीश जी के जी, नीतीश जी के यहाँ सरकार बदल गई है, और ये सरकार राजनीतिक सरकार नहीं है, ये कॉरपोरेट सरकार है, ये ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है, और ब्यूरोक्रेट्स कैसे चलते हैं पता ही आपको, उनके लिए आपकी आस्था महत्वपूर्ण नहीं है जी। आप कितना ज्यादा सलामी दे सकते हैं ये जरूरी होती है। देखिए एक दो चीजें तो हमने स्पष्ट यहां कर दी, अब वो लिस्ट जो मेरी लिस्ट है वो कौन सी लिस्ट है, और इस लिस्ट में उस लिस्ट का नाम क्यों नहीं है। देखिए आरसीपी सिंह अशोक चौधरी को पसंद नहीं करते हैं, अगर पसंद करते हैं तो हमेशा गलत होगा, अगर नहीं पसंद करते हैं तो ये लिस्ट कहां है। अशोक चौधरी के साथ जो MLCs आए थे उनका नाम मैंने आपको बता दिया, अशोक चौधरी के साथ जो जत्था आया था तीर्थात्रियों का उधर से कांग्रेस से जदयू की तरफ में, उनका नाम तो आपको नहीं पता है। मैं उनका नाम पढ़ रहा हूँ, और इस लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए था, क्योंकि पूर्व में जबरदस्ती अशोक चौधरी ने इन लोगों का नाम दलवाया था जी। आखिर ये कब तक प्रदेश के विभिन्न पदों पर रहेंगे, इन्हें जिम्मेवारी नहीं मिलेगी बड़ी, इन्हें टिकट नहीं मिलेगा, ये सारे विधानसभा में टिकट के दावेदार थे, और अशोक चौधरी के साथ इनकी आस्था अगर रही थी, क्योंकि बहुत पहले खत्म हो जाती, लेकिन रही थी। अगर कार्यकारी अध्यक्ष पहले बन गए होते जी, जब नामों की घोषणा हो रही थी, चुनाव में लड़ने के लिए लोगों के प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित किए जा रहे थे, अगर तब बन गए होते तो मामला कुछ अलग हो सकता, अलग होता, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है इसमें अशोक चौधरी की नहीं चली है, अशोक चौधरी पर कैची चली है, और कैसे कैची चली है वो तो आपको उधर भी पता चल गया है, अब इधर जानने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति जो अशोक चौधरी के साथ आए थे उनका नाम है रंजीत झा, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में अच्छा कद रखते थे और ब्रजेश पांडे के नंबर टू कहे जाते थे, वो ब्रजेश पांडे जो आपको पता होगा बहुत बड़े पत्रकार रवीश कुमार के भाई हैं और कांग्रेस में बड़ी हैसियत रखते हैं, कांग्रेस में रसूख रखते हैं, सोनिया गांधी से एक फोन पे बात होती है जी। और बिहार की जितनी भी कमेटियां अशोक चौधरी के माध्यम से बनी है उन सभी को इन्हीं ने बनाया है जी। तो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति के साथ ये व्यक्ति थे, और इनको चुनाव लड़ना था मधुबनी दरभंगा में कहीं से जी, टिकट नहीं मिल पाई कांग्रेस में, अशोक चौधरी दिलाने में अक्षम रहे, लेकिन फिर भी अशोक चौधरी के साथ ही। और 2018 से जब से अशोक चौधरी जेडीयू में गए हैं तब से उनके पीठ पर अगर खड़ा कोई आदमी नजर लगातार ये दिखता आप, आपको नजर आ जाएगा। आस्था पे कोई शक नहीं किया सकता, लेकिन इस आस्था को रिवॉर्ड नहीं मिला है, पूजा तो लगातार ये कर रहे हैं, जब अशोक चौधरी कांग्रेस में थे और यहाँ आए तब से लगातार एक साये की तरह उनके साथ रहे, लेकिन ना तो अशोक चौधरी इनको टिकट दिला पाए और ना इस कमिटी में इनका होना कहीं साबित करता है कि कैची इन पर चल गई है। दूसरा नाम राजेश तिवारी, कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, अच्छी खासी जिम्मेवारी मिली हुई थी, कहा जाता था कि खेल प्रकोष्ठ बड़ा ही नॉर्मल सा एक प्रकोष्ठ बनाया जाता है लोगों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, लेकिन मुख्य राजनीति में कांग्रेस की इनका बड़ा हस्तक्षेप था, कुछ चार पांच जो बड़े नाम थे उनमें से एक इनका नाम भी था। इसके अलावा एक और नाम है जो बड़ा नाम है, चौंकाने वाला नाम, उस नाम से पहले मैं एक शब्द खाली रखना चाहूंगा नमन जी, जब आपको याद होगा कि पंचायत अध्यक्ष और पंचायत से के सचिवों का जब सम्मेलन गांधी मैदान में किया जाना था और दावा किया गया था कि 5 लाख लोग आएंगे जी, उस समय मैंने देखा था कि जो सबसे बड़ा जत्था था दो लोगों के पास था जदयू में जी, एक जत्था था ये टीम जो राजेश तिवारी वगैरह की जो टीम थी, राजेश तिवारी खिलाड़ियों की अच्छी खासी जी इनकी टीम थी जो कि मिलर स्कूल में थी, और दूसरा जत्था एक शख्स और हैं ददन पहलवान जी, उनके दरवाजे पर उनके घर के सामने रेलवे लाइन के किनारे तो ददन पहलवान बड़ा बहुत पहली कैजी चल रही है, अब इनका बच्चा बहुत बहुत बड़ा जत्था था, ये जो दो जत्था था यही किसी तरह से इज्जत बचा पाया आरसीपी सिंह, ये ददन पहलवान गति को प्राप्त जी।
एक और नाम इन्हीं के जस्ट समकक्ष में नाम ले सकता हूं, लेकिन अगर सदाकत आश्रम में आप गए हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तो उदय शर्मा नाम जो है वो आपको याद होगा जी। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि पुराने खानदानी कांग्रेसियों में से एक है। कांग्रेस में आस्था इतनी थी कि छोड़ते समय रो दिए थे और रोते रोते न्यूज बिहार भारत लाइव के स्टूडियो में आए थे और यहां पर अपनी बात रखी थी। इनको विधायक बनना था, इन्हें चुनाव लड़ना था, अपने पिता की जो राजनीति है उसे समेटना था, संभव नहीं हो पाया। इनके बारे में हमने एक बार खबर चलाई थी कि इनकी वापसी कांग्रेस में हो सकती है। लेकिन किसी कारण से अब हो सकता है मंत्रिमंडल मिल गया अशोक चौधरी को, उस वजह से रुक गए हो, लेकिन ये रुक गए थे। लेकिन हाँ ये बात है कि इनकी भी आस्था पर कांग्रेसी के तौर पर किसी को शक नहीं थी और जब ये आए थे जदयू में तो झटका लगा था लोगों को कि ये कैसे चलेगा जी। तीसरा नाम और चौथा नाम और बहुत बड़ा नाम संजय सिन्हा, जो कि कायस्थ समाज से आते हैं और ये कोषाध्यक्ष थे, नंबर 2 पोजीशन पर थे बिहार कांग्रेस के और अशोक चौधरी के पुराने मित्रों में से कहे जाते हैं बचपन के, और ये उनके साथ छोड़कर चले गए। आपको याद दिला दें कि यही एक पुराने मित्रों में से नहीं है, ब्रजेश पांडे भी पुराने मित्र थे लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर नहीं आए, लेकिन ये अशोक चौधरी के नाम पर इन्होंने कुर्बानी दी और कांग्रेस छोड़कर आ गए। चुनाव लड़ने के बहुत इच्छुक नहीं थे लेकिन इन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेवारी और उसका एक जो रिप्लेसमेंट के तौर पर कोषाध्यक्ष के बदले में इन्हें बड़ा पद मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिलता है। इस वजह से ये भी शक होता है कि सवर्णों में आखिर क्या पहुंच है अशोक चौधरी की, क्या रणनीति है जदयू की, इसको लेकर एक सवाल तो खड़ा होता है क्योंकि पटना की राजनीति कायस्थ और बड़ा हुजूम है। नमन जी एक बड़ा हुजूम है पटना में कायस्थ, बिल्कुल, और कायस्थों के साथ साथ और भी आप जितने लोगों का नाम आपने लिया सारे सवर्ण लोग हैं और सारे सवर्ण लोग अशोक चौधरी के साथ हैं। बहुत बड़ी बात हमने आपने पकड़ी, बिल्कुल, सारे सवर्ण नेता है अशोक चौधरी जो की पासी समाज से आते, बिल्कुल, उनके उनके राजनीति में उनके समाज के लोग जिस तरह से उनका बैक बीचिंग कर रहे हैं अशोक चौधरी का और ये उनके झंडा को लेकर उनके कंधे पर उठा करके यहां तक पहुंचा है, इसमें बहुत बड़े इन लोगों का। एक और नाम मैं आपको बता दूं, ये भी सवर्ण है, जितेंद्र मिश्र नाम है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, अगर तस्वीर उपलब्ध होगी तो जरूर दिखाएंगे जी। ये जो शख्स आपके तस्वीर पर अगर मोबाइल स्क्रीन पर या टीवी पर दिख रहा है, गंजी फटा हुआ है, अब आपको याद आ गया होगा सदाकत आश्रम के बाहर जबरदस्त फैटम फैटी हुआ था और जिस व्यक्ति की गंजी फाड़ दी गई थी, उसकी पोशाक फाड़ दी गई थी, वो एक खानदानी कांग्रेसी था और वो इसी के बाद ही टूट के, इसी लड़ाई झगड़े के बाद अशोक चौधरी ने कांग्रेस छोड़ा था और उसके बाद ये व्यक्ति पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि मैं अपनी माँ को छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल, और आप समझ लीजिए कितनी बड़ी कुर्बानी देना इतना बड़ा पोस्टर बॉय हो जाने के बावजूद। ये व्यक्ति आज भी संगठन में बहुत मार्जिनलाइज है, साइडलाइन किया हुआ और इस लिस्ट में ना होना ये बहुत चौंकाने वाला, सीधे हाशिए पर है ये कहा जाना। मुझे ये आखिरी नाम जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये भी सवर्ण है, मतलब यानी अशोक चौधरी के आसपास जितने भी मैं नाम गिन रहा हूँ ये सारे सवर्णों के नाम है, ये सारे सवर्ण कांग्रेस के साथ छोड़कर हाथ और आज अशोक चौधरी के साथ है और इसी कारण हो सकता है कि मार्जिनलाइज है। जिस व्यक्ति का मैं नाम लेने वाला हूँ उनका नाम है मनोज उपाध्याय। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं आपको कि 2015 में इन्हें टिकट मिल गया था बाबा, और इन्हें जो टिकट मिला था वो तरारी से मिला था हारा के जी, जहां से ये चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और तैयारी भी थी जी, और अंतिम समय में अशोक चौधरी के करीबी होने की वजह से इनका टिकट हेलीकॉप्टर वाले नेताजी ने कटवा दिया था और उसकी वजह से तब से ये इंतजार ही कर रहे हैं। 2015 से 20 हो गया जी, 5 साल का अंतराल हो गया, 3 चुनाव बीच में हो गए, 2 चुनाव हो गए माफ कीजिएगा, इन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। यहां तक की खबर यह आती थी कि इस बार के चुनाव में इनका नाम कंफर्म था, लेकिन इसके बावजूद जबकि लोजपा अलग होगी क्योंकि एक अच्छा उस सीट पर समीकरण बन रहा था इनके प्रति, लेकिन फिर भी वहां से टिकट नहीं दिला पाया अशोक चौधरी। कहीं ना कहीं एक या तो ये राजनीतिक हैसियत भी अशोक चौधरी की समझ में आ गई इस पार्टी में, और दूसरा कि जो एक दिखाने के लिए कद बनाया गया है कि सारे मंत्रालय दिए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है इस नाम के साथ साथ और भी 2-3 चीजें जुड़ी हुई है नमन जी। पहला तो ये जुड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार को अगर भोजपुर जिले में कहीं सम्मान मिला तो तरारी में मिला। जब याद है जब छोड़कर गए थे नीतीश कुमार और काफी आलोचना हो रही थी नीतीश कुमार की और ये लोग सारे लोग मुझे तो बनारस गए थे, अशोक चौधरी और मनोज उपाध्याय साथ में थे और मतलब कहा था नीतीश कुमार के शैडो अशोक चौधरी बन गए थे, अशोक चौधरी के शैडो मनोज उपाध्याय बन गए, बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा खासा मैंने कार्यक्रमों में खर्चा भी हुआ, बिल्कुल कार्यक्रमों में खर्चा हुआ। उसके बाद भोजपुर जिले में जो नीतीश कुमार के खिलाफ एक कन्वेंसी चल रही थी उस कन्वेंसी पर मनोज उपाध्याय ने बहुत हद तक विराम लगाया था जी, और संभावना भी प्रबल थी कि अगर उन्हें टिकट मिला होता तो इस बार वो। अच्छा एक और बात कही जाती है कि इस बार कांग्रेस से इनको टिकट मिलने की संभावना प्रबल थी वहां से,
लेकिन फिर नहीं हो पाया। मतलब ये माया मिली न राम, ये कहीं के नहीं रहे। और ये इन्हीं का नहीं, इस लिस्ट में आप रंजीत झा से लेकर राजेश तिवारी, संजय सिन्हा, मनोज उपाध्याय, जितेंद्र मिश्रा, किसी के पास जाते हैं, इन सारे सवर्णों को बहुत तगड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, आज आरसीपी सिंह के लौकुश समीकरण में ये फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए इन्हें बाहर बैठना पड़ता है। देखिए, अशोक चौधरी हो या आरसीपी सिंह हो या नीतीश कुमार हो, सभी को पता है कि जो सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक है वो या तो कांग्रेस के पास था या आज के डेट में भाजपा के पास है। अब आप इसे बंधुआ वोट कहिए, इसे आप कोर वोट कहिए, इसे आप शहरी वोट कहिए, जो कहने का कहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वोट बैंक पर आज भाजपा का एकाधिकार माना जाता है। और ये साबित भी करता है कि जदयू किस तरह से सोचती है सवर्णों के प्रति। बिल्कुल, यानी लौकुश समीकरण साधा जाएगा, अल्पसंख्यकों को मौका दिया जाएगा, सभी को दिया जाएगा, यहाँ तक अशोक चौधरी भी रिवार्ड होंगे, लेकिन साथ में आए लोग जो तीर्थार्थी थे साथ में आने वाले, इनको ना तो दर्शन होगा, ना इन्हें चरणामृत मिलेगा, ना इन्हें कुछ मिलेगा। ऐसे में हमने ये बात स्थापित कर दी कि आरसीपी सिंह ने जो कैची चलाई है उससे संगठन में जबरदस्त उबाल आएगा। आप ऐसे नहीं मान सकते, ये सारे अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, इनका प्रभाव है अपने क्षेत्रों में। कांग्रेस के लोग जो जदयू की तरफ आज अगर आए होंगे तो इनके माध्यम से ही आए होंगे, और इन लोगों के विद्रोह करने का, हालांकि ऐसी खबर हम पुख्ता नहीं बोल रहे कि विद्रोह करेंगे, लेकिन इतना बड़ा हिस्सा चंक एक बार में उखाड़ कर आप कहीं से लेके आते हैं और उसे फिर रिवॉर्ड नहीं कीजिए, जस्टिफाई नहीं कीजिए, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अशोक चौधरी चल रहा है कि नहीं आरसीपी के सामने। एक और महत्वपूर्ण बात है नमन जी, आपने सारी बातें कह दी, इस बातों में एक बात देखने को जो मिल रहा है जी, वो ये कि जदयू में आपको दिखना नहीं जी, आपको छिपना होगा जी। अगर आप छिप करके रहेंगे तब आपको रिवार्ड किया जाएगा। नाम तो बाबा मैं और ले सकता हूँ, कई नाम है इस ग्रुप। बिल्कुल, कई लोग जदयू में जाने के बाद पीछे पीछे इनके लग गए थे। बिल्कुल, कई लोग तो जदयू के जो हमारे संपर्क के भी हैं, जिन्होंने देखा कि माहौल अशोक चौधरी की तरफ हुआ तो आरसीपी सिंह को छोड़कर, वशिष्ठ नारायण को छोड़कर इनके पीछे लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, हाशिए पर है। और असल समय में अगर वो आपकी बातें नहीं सुने होते जी, जो आप लगातार कह रहे थे कि चार दिन की चांदनी है, कई लोगों ने फोन भी आपको किया है जी, काई साच बात हो जी, तो आपने कहा था कि भैया हमारा तो विश्लेषण है, अब आगे आपको राजनीति करनी है, आप समझिए। बिल्कुल, डिसीजन तो उन्हें लेना, डिसीजन तो आपको लेना है। और उन लोगों ने क्षणिक प्रेम जरूर दिखाया था, लेकिन फिर उल्टे पांव जो भागे आरसीपी की तरफ, और भागते ही उन्होंने सबसे पहले फोन करके आपको बताया था ठीक है कॉल रही जी जी। तो अब एक बात तो स्थापित हो गई, यहां से आप नीतीश कुमार और अशोक चौधरी को, कैस्केडिंग इफेक्ट है, नीतीश कुमार को बिहार के बाहर देखिएगा लगातार राजनीति करते हुए अन्य राज्यों में, अशोक चौधरी पीछे पीछे जाएंगे और उनके पीछे पीछे ये कोलेट्रल डैमेज जिनका नाम मैंने आपको बता दिया, ये भी जाते दिखेंगे। अगर इन लोगों में से एक भी व्यक्ति विरोध करता है, क्योंकि विरोध के साथ एक खास बात है, अक्सर आप देखते होंगे कि एक ही व्यक्ति खड़ा होता है पहले जी, और उसके पीछे पूरी श्रृंखला बढ़ जाती है। यहाँ विरोध नीतीश कुमार का नहीं करना है, यहाँ विरोध आरसीपी सिंह का करना है। अगर आरसीपी सिंह, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तानाशाह हो गए हैं जब से नीतीश कुमार ने उन्हें दे दिया है जिम्मेवारी पूरा, अब आगे की रणनीति जदयू को तय करना है, इन लोगों को तय करना है। लेकिन ये खबर बिहार की राजनीति में से सामने से निकल रही थी और हमने धप्पा मार के उसे पकड़ लिया। आपको अगर ऐसी खोजी पत्रकारिता पसंद आती है तो ये चैनल आपके लिए है, अगर नहीं पसंद आती है तो बहुत सारे चैनल हैं, किसी चैनल पर जाकर आप लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ देख सकते हैं। लेकिन भारत लाइव देखना है तो फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ऐसी रसदार खबरें आपको जहाँ चाहिएगा वहाँ मिल जाएंगी मुफ्त में। हाँ, सहयोग आपके स्वेच्छानुसार आप कर सकते हैं, UPI नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167000। धन्यवाद।